राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 12 मई को दिल्ली में रोड शो किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा जेल, अगर मैं जेल में वापस गया तो बीजेपी आपके सारे काम रोक देगी, वे मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बंद कर देंगे, स्कूलों का स्तर भी गिर जाएगा। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है। वहीं तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट का भाजपा नेताओं ने खंडन किया है। प्रधानमंत्री इस पर चुप है, उन्हें अपने उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। केजरीवाल ने कहा अगर पीएम मोदी रिटायर नहीं होंगे तो वो कह दे कि 75 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ आडवाणी और कुछ अन्य नेताओं के लिए था। वे वन नेशन वन लीडर आइडिया के तहत विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपने नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेताओं की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर यूपी के सीएम योगी का है। भाजपा तो ये कह रही है कि मोदी जी को रिटायरमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। मतलब पक्का है कि अगले 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाया जाएगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।